लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। खबरदार, किसी ने अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो। आज हमारे कदम जो इंसाफ मांगने के लिए उठे हैं, आज इंसाफ पाकर ही वापस लौटेंगे। इससे पहले कि तुम लोगों की लाशों और खून से ये जमीन रंग जाए, भगाओ जाए यहां से। उस बूढ़ी औरत की लाश पर उसकी सुहागन बेटी ने जितने आंसू टपकाए, समझ लो उसकी हर बूंद ने बगावत कर दी है। हट जाओ सामने से, वरना यह सैलाब तुम सब लोगों को रौंदता हुआ निकल जाएगा। बम से उड़ा दो सबको। अब आए ना बात में नमक, चलो। शंकर, ये लो कैसेट, इसमें उस बाप की आवाज बंद है जिसके बेटे ने एक बूढ़ी औरत को कुचल दिया था। ये कैसेट तुम्हें अदालत में इंसाफ दिलाएगी। अदालत इंडियन पैनल कोड की धारा 302(1) के तहत टप्पू को 6 महीने की सजाए बामुशक्कत देती है। पापा, पापा मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं यहाँ जी नहीं सकता पापा। मुझे इंजेक्शन चाहिए, मुझे इंजेक्शन। एमएलए साहब, आपके बेटे ने जेल में अपने ही कपड़ों का फंदा बना के खुदकुशी कर ली सर। कहीं किसी अब्दुल का खून बहे, समझ लेना कि धरती सुहागन बनी। और जान ले शंकर कि जीत।
देरी होगी। शंकर बेटे, तेरे घर में मेरे खानदान की एक अमानत है। हथियार तेरी जंग में तेरा साथी होगा। नस्र मिन अल्लाह व फतहुन करीब। हमारे अब्दुल चाचा हम सबको छोड़कर चले गए। मैं जानता हूं भाई, मैं सब जानता हूं। अपने आप को संभालो। देखो शंकर भैया, तुम ये मोहल्ला छोड़ दो। क्यों? तुम शायद जानते नहीं भाई, दरअसल दुश्मनों का निशाना तुम थे। तुम भाई मां के साथ ये मोहल्ला छोड़ दो। आप उन्हें जानते नहीं भाई, वो बहुत खतरनाक लोग हैं। और आप मुस्कुरा रहे हैं। हाँ भाई, आज मुझे इस बात की खुशी है कि तुझे मेरी जान की परवाह तो है। आखिर भाई है ना, अब मेरी जान भी चली जाना मुझे कोई गम नहीं, लेकिन तेरे लिए खुशी की बात है, तू बहुत जल्द बाप बनने वाला है। अपना ख्याल रखना। पुलिस की तुम परवाह मत करो तारा, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। कल शंकर की चिता की आग से तुम उस मोहल्ले को जलाकर खाक कर देना, पुलिस वहां नहीं पहुंचेगी। आओ मुन्ना, अब उनको तेरा ही इंतजार था। ये लो, खोलो इसे। इसमें 6 गोलियां हैं और 6 के 6 गोलियां तो अपने हाथ से अपने भाई के सीने में उतारेंगे। क्या? शंकर भैया के सीने में। देखा है एमएलए साहब, आप उनका तोता मिर्ची नहीं खाता। बांधो साले को। अरे बताना पड़ेगा यार, नहीं तो आग लगा डालेगा। उसका बहुत खतरनाक है, चल के यार। पूरे आग लगे जा रहा तो है ही गुंडा। हमारे भी तो वार करते हैं। अरे यार, और क्या, हम लोग अपने खानदान को नहीं देखना है क्या? शंकर भैया, शंकर बेटा, शंकर ये मोहल्ला छोड़ दो। अभी तो सिर्फ तेरा गैरेज जला है। दारा एमएलए साहब ने धमकी दी है कि अगर तुम ये मोहल्ला नहीं छोड़ोगे तो सारे मोहल्ले को आग लगा देंगे। अभी आपने कहा ना चाचा कि तेरा तो सिर्फ गैरेज जला है, तेरा कहना आपने? चाचा, जब तक हम लोग ये तेरा और मेरा में एक दूसरे को बांटते रहेंगे तब तक हमारा उद्धार नहीं होगा। हमारा उद्धार तब होगा जब हम हमारा कहना सीख जाएंगे। दारा और उसके आदमियों के सामने हाथ यूं नहीं यूं जोड़कर अपने मोहल्ले के चौराहे पे खड़े हो जाए तो दारा को इस मोहल्ले की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं होगी। हां चाचा, आप मेरे साथ खड़े होंगे ना? तुम चाचा, तुम तो मेरे साथ होगे ना? कादर मियां, आप तो मेरे साथ। We'll be right back.
जा बेटा जा, आज तुझे जाना ही होगा, ये जंग तुझे लड़नी ही पड़ेगी। माँ का आशीर्वाद तेरे साथ है। अशोक वापस आ गया मां। उठाओ फेंक दो बंदूक। चला
बाहर निकलो, जल्दी बाहर निकलो, वरना इन दोनों को भून के रख दूंगा। अब आया ना बाद में नमक। आगे आजा बेटा, आगे आजा। अशोक, रुक जा भाई, तुझे मेरी कसम, रुक जा। हमेशा हमेशा तू मेरे पास आए मुझे समझाने। आज 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 उजाले थे तेरे पास, उजाले थे तुझे। अरे नहीं बोलते रे भाई, मुझे मरते हैं मगर मौत की आवाज नहीं सुन पाते। ये वही डंडा है जो बदन पर पड़ता है तो चमड़ी नहीं फटती लेकिन दर्द हड्डियों तक घुस जाता है। जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चला गोली, चला। एक के मर जाने से अब यहां कोई फर्क नहीं पड़ता। गिरा दे मेरी लाश, मगर शंकर की मौत नहीं होगी क्योंकि यह जमीन का टुकड़ा अब आजाद हो चुका है
इस मोहल्ले का हर कोई शंकर बन चुका है। अब ये जुल्म नहीं सहेंगे। चला गोली। अकेला ही चला था अपनी मंजिल की तरफ, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। खून दिल से हमने लिखी अमन की यूं दास्तां, जिंदगी का शानदार एक गुलशिता बनता गया।